We cannot get good high paying job. The students के लिए 3 hours continuously screen को देखना मुश्किल होता है. ये सारी companies allow नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब ये कि आपको typing आनी चाहिए. कहीं ना कहीं ये अभी भी discriminate कर रहे हैं regular and distance students में. क्योरा एक ऐसा ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे. सो ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस मुझे जानने को मिला जो ऑनलाइन बीसीए कर रहे हैं. सो कई सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी थे, बैड एक्सपीरियंस भी थे, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी. 2 सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑनलाइन बीसीए करना चाहते हैं. एक तो, क्या ऑनलाइन बीसीए वैलिड है, क्या ये डिग्री वैलिड है? दूसरा, क्या ऑनलाइन बीसीए एमएनसीज में वैलिड है? सो इन दोनों पे हम यहाँ पे बात करेंगे. बट उससे पहले हम ये एक्सपीरियंसेस जिन स्टूडेंट ने शेयर किया है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीसीए ऑनलाइन के थ्रू कर चुके हैं या कर रहे हैं और उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है. सो सबसे पहली चीज़, एक स्टूडेंट ने कहा दैट ऑनलाइन बीसीए मणिपाल यूनिवर्सिटी से बेसिकली वो परस्यू कर रहा है. वी कैन नॉट गेट गुड हाई पेइंग जॉब. इस बात से मैं 100% अग्री नहीं करूँगी, क्योंकि ऑनलाइन बीसीए करने के बाद कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हाई प्रोफाइल जॉब अभी परस्यू कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है. देन दूसरी बात है कि इस स्टूडेंट ने ये भी कहा कि ऑनलाइन मणिपाल यूनिवर्सिटी से जो ये बीसीए कर रहे हैं, वहाँ पर एक और मेजर इशू है, दैट इज़ अबाउट एग्ज़ाम. ये जो एग्ज़ामिनेशन होता है, इसके लिए आपको कंप्यूटर के थ्रू, लाइक आपके पास पीसी होना चाहिए, वहाँ पे आपको टाइप करना होता है. 3 घंटे का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है. वहाँ पे आप नीचे नहीं देख सकते हैं. इसका मतलब ये कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स के लिए 3 hours कंटिन्यूसली स्क्रीन को देखना मुश्किल होता है. एंड ये ऑनलाइन मणिपाल यूनिवर्सिटी की बात रही, ऐसा नहीं है कि सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यही हो रहा है. सो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के केसेस अलग है. अब यहाँ पे इग्नू का केस अलग है और जो डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है जो अब आपको ऑनलाइन बीसीए कराती है या ऑनलाइन डिफरेंट डिग्री कोर्सेज कराती है. सिर्फ इग्नू ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है. हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि इग्नू पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अपने फ्लेक्सिबिलिटी और यू नो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के लिए फेमस है. बट अपार्ट फ्रॉम इग्नू कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो. अब अगर हम वैलिडिटी की बात करें, तो जैसे कि मैंने 2 चीज़ें आपसे कही, पहला तो ये डिग्री वैलिड है या नहीं. डेफिनेटली बीसीए हो चाहे कोई भी ऑनलाइन डिग्री कोर्स हो, ऑनलाइन बीसीए के साथ साथ सारे ही डिग्री वैलिड है, क्योंकि यूजीसी से ये सारे कोर्सेज अप्रूव्ड है. सो ऑनलाइन बीसीए अगर आप करते हो तो कोर्स आपका वैलिड है. किसी भी आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो. सो यहाँ पे वैलिडिटी को लेके कोई इश्यू नहीं है. आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हो जो कि ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबल होते हैं. तो आप यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल या फिर कोई भी स्टेट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से, उसके लिए आप एलिजिबल हो जिसमें ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है. बट अगर हम दूसरी तरफ एमएनसीज की बात करें, जो जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड कंपनी है, वहाँ पे क्या आप, यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हैं या जो ऑनलाइन बीसीए कर रहे हैं, उनको हायर करते हैं, क्या उन्हें वैलिड मानते हैं? देखो, जब मैंने क्योरा पर देखा कि ऑनलाइन बीसीए स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं एमएनसीज के बारे में, तो वहाँ पे एक ही चीज़ क्लियर हुई कि जो ऑनलाइन बीसीए किए हुए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एमएनसीज में जाना डिफ़िकल्ट हो रहा है, स्पेशली इंडियन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनीज़ में. और देखो, जितने भी यूएस एंड यूके बेस्ड कंपनीज़ है, जैसे आपका टेस्को है या फिर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टारगेट है, हनीवेल, तो ये सारी कंपनीज बहुत इजीली हायर कर ले रहे हैं ऑनलाइन बीसीए ग्रेजुएट को. लेकिन जो इंडियन बेस्ड कंपनीज़ है, जो इंडियन एमएनसीज है, एससीएल, टीसीएस या फिर विप्रो, इन्फोसिस, एक्सेंचर, ये सारी कंपनीज अलाउ नहीं कर रहे हैं. कहीं ना कहीं ये अभी भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं रेगुलर एंड डिस्टेंस स्टूडेंट्स में. सो ये रिजल्ट था क्योरा पे जो स्टूडेंट्स ने अपने व्यूज़ रखे अबाउट एमएनसीज, क्या वो ऑनलाइन बीसीए को हायर कर रहे हैं. सो डेफिनेटली इंडियन एमएनसीज जो है, इंडियन बेस्ड एमएनसी, वो हायर नहीं कर रहे हैं, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं
ऑनलाइन BCA या फिर MCA स्टूडेंट्स को। लेकिन क्या ये सच में ऐसा हो रहा है आज के टाइम में? सो मैं आपको बताती हूँ। सो अभी भी कई सारे ऐसे इंडियन बेस्ड कंपनीज है जो ऑनलाइन BCA या MCA को हायर नहीं कर रहे हैं। भले ही आपके पास स्किल है, भले ही आपके पास एक्स्ट्रा डिफरेंट फील्ड में स्किल या नॉलेज है BCA के साथ साथ या MCA के साथ साथ, लेकिन अगर आपके पास रेगुलर डिग्री कोर्स नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ स्टार्टिंग में नहीं होता, पहले आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाता है, लास्ट में जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तब जाके कोई भी इंडियन बेस्ड कंपनी आपको रिजेक्ट कर रही है। सो बेसिकली जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिस भी यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन कोर्स करवा, वहां पे आपको ये चेक करना है कि वो यूनिवर्सिटी किन किन कंपनी से टाई अप की हुई है। अगर वो इंडियन बेस्ड MNC से टाई अप की हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर उन कंपनी से या उन MNC से टाई अप नहीं है तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। सो इट्स डिपेंड कि आप कौन से ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज से ऑनलाइन BCA कोर्स या फिर ऑनलाइन ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सो ऑनलाइन BCA करने के कई सारे फ़ायदे एंड नुकसान भी है, तो प्रोस एंड कॉन्स क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करें तो ऑनलाइन BCA करने के फ़ायदे बहुत है। पहला फ़ायदा ये है कि आपके पास टाइम बहुत मिल जाता है। BCA के साथ साथ आप साइड बाई साइड जॉब भी कर सकते हो और 3 साल आपके पास होते हैं। अगर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो ये आपके फ्यूचर जॉब के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ईजिली जॉब मिल सकता है एक्सपीरियंस के साथ, आपके पास BCA की डिग्री है, ठीक है। किसी अदर स्किल पे फोकस हो सकते हो, उसको मास्टर कर सकते हो। ऑनलाइन BCA का फीस बहुत कम होता है। ऑनलाइन आप कोई भी कोर्स करते हो इग्नू या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो फीस आपको कंपेरेटिवली कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो ट्यूशन की फीस एक तो हाफ हो जाती है, बहुत कम होती है। इसके साथ साथ आपको कोई भी ट्रेवल की फीस नहीं लगती, ना किसी हॉस्टल की फीस लगेगी। मेस बुक्स भी इवन आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, तो ये सारे फीस आपको नहीं देने हैं। प्लस जो ट्यूशन फीस है वो भी काफ़ी कम होती है, तो फीस बहुत कम है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाता है, टाइम सेवर है। दूसरी तरफ अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है अगर आप ऑनलाइन BCA को सीरियस नहीं लेते हैं तो डिसएडवांटेजेस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सो BCA बैच ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कोई जनरल डिग्री नहीं है जिसके लिए आप एग्ज़ाम के 1 महीने पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर लो, ठीक है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे तो नॉन साइंस स्टूडेंट्स आते हैं, कॉमर्स आर्ट्स स्टूडेंट आते हैं, और विदाउट गाइडेंस आप अगर सोचो 1 महीने में स्टडी करके आप एग्ज़ाम क्लियर कर लो तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 50% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं। सो BCA के लिए आपको हर दिन स्टडी करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 से 2 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। सो यहाँ पे फेल होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मैथमेटिक्स, कोडिंग, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। जावा, C++, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से स्टडी करनी, तो डेफिनेटली आपको फोकस करना पड़ेगा। सो एग्ज़ाम क्लियर करना इजी नहीं है। इसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होती है, कोई नेटवर्किंग नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोई सीनियर नहीं है बताने वाला। तो किसी से जब इंट्रैक्शन ही नहीं होगा तो आपको कौन बताएगा कि BCA करने के साथ साथ आपको क्या या कौन सा स्किल लेना चाहिए, ठीक है। तो BCA के बाद डेफिनेटली आपको MCA करना होता है हाई पेइंग जॉब के लिए, चाहे आप रेगुलर से कर रहे हो चाहे ऑनलाइन कर रहे हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में लाइक अगर रेगुलर से कर रहे हो तो ही आपको इतना नॉलेज हो पाता है। सो कहीं ना कहीं ये लैक करती है, कम्युनिकेशन आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन BCA के लिए आप रेगुलर स्टडी नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेटेड रहते हो। सो इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी सारी कमियां हैं तो आप BCA ऑनलाइन ना करो या डिस्टेंस मोड से ना करो। देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रोस एंड कॉन्स बहुत सारे हैं, बट ये ना अपना जो पर्सनल सर्कमस्टांसेस है, जो भी आपका खुद का कंडीशन है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना होगा कि ऑनलाइन BCA या ऑनलाइन MCA आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ, उससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके लिए ऑनलाइन BCA सही है या नहीं।
सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जो आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये कोर्स है। ऑनलाइन बीसी आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्रेंस नहीं देना एंड ना ही कोई परसेंटेज या स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि ये कोर्स साइंस या फिर जिनके पास मैथ्स है या कंप्यूटर साइंस है उन लोगों के लिए है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ये रिक्वायरमेंट रखती है। तो अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो और आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हो, आप कोडिंग करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, इन सभी में इंटरेस्टेड हो तो आप ऑनलाइन बीसीए कर सकते हैं। लेकिन और भी कुछ पॉइंट्स है उसको भी आप सुन लेना, देन उसके बाद आप अप्लाई करना, ठीक है। सो एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की कोई इश्यू नहीं है। दूसरी चीज़, आप बहुत कम टाइम में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ट्वेल्थ के बाद आप बहुत क्विक जॉब चाहते हो तो उस केस में, या फिर आप ज़्यादा पे नहीं कर सकते हो बीसीए के लिए या फिर बीटेक के लिए, तो आप ऑनलाइन बीसीए कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन क्लासेस या फिर इन सभी चीज़ों से कन्वीनियंट हो, लाइक आप पर्सनली खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो और स्टडी करके बीसीए पास कर सकते हो। देखो यहाँ पे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी क्योंकि बीसीए जैसे कि मैंने कहा ये जनरल डिग्री कोर्स नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम आपको फिनांस असिस्टेंस की नीड है तो आप ऑनलाइन बीसीए के साथ साथ जॉब कर सकते हो, या आप ज़्यादा पे नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन बीसीए कर सकते हो। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स है, डिफरेंट पैरामीटर्स है, आपका कंडीशन किस पे लाई करता है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा ऑनलाइन बीसीए या फिर ऑफलाइन बीसीए। बेटर के सेंस में अगर हम बोले तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, प्रोस एंड कॉन्स दोनों ही मोड का है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन बीसीए या एमसीए कर रहे हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, डेफिनेटली आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है। रेगुलर बीसीए हो या फिर ऑनलाइन बीसीए हो, दोनों ही वैलिड है, इक्वल इम्पॉर्टेंस है और आपको सेम अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब चाहे गवर्नमेंट फील्ड में जाओ चाहे प्राइवेट फील्ड में, ठीक है। सो कोई भी डाउट हो आपको ऑनलाइन बीसीए रिलेटेड या फिर कोई भी डिग्री आप ऑनलाइन से करना चाहते हो या आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिल पा रहा है तो उसके बारे में आप हमें कॉमेंट कर सकते हो, और कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हो इस चैनल पे तो डेफिनेटली आप हमें बताएं, और हो सके तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए।